हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब उस किरदार की भी बात हो जानी चाहिए जिसके ऐसा लग रहा है कि इस केस से अपना पीछा छुड़वाने की ये किरदार बहुत कोशिश कर रहा है, संदीप सिंह। खुद को सुशांत का सबसे जिगरी यार बताते हैं वो। सुशांत की मौत के बाद के 2 दिनों में संदीप सिंह हर जगह नजर आते हैं, उस कूपर हॉस्पिटल में भी जहां सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद वो सुशांत के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। पुलिस और मीडिया से लेकर सुशांत की डेड बॉडी लाने ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी यही मैनेज कर रहे थे। शुरुआत में मीडिया के सामने खूब बयान दे रहे थे, लेकिन इसके बाद अचानक गायब हो गए। उन पर सुशांत से रिश्तों को लेकर आरोप लगने लगे तो चुप हो गए। कल हमारी टीम ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा, हम उनसे पूछते रहे, लेकिन संदीप सिंह ने अपना मुंह नहीं खोला। आज हम संदीप सिंह का हर राज आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस केस में वो शक के दायरे में आ क्यों रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आइसक्रीम बेचने वाला एक शख्स बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रोड्यूसर कैसे बन गया। कहां गए थे आप? दिल्ली में कहां गए थे आप? कहां से आ रहे हैं? नहीं, आप बताएंगे क्या? आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा। बताना पड़ेगा ना, आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है। सवाल हम ही नहीं, पूरा देश भी पूछ रहा है। ये बात नहीं करना चाहते हैं। कोशिश हमने पूरी की 15 मिनट तक संदीप से। गाड़ी रुकती है तो हम कोशिश करेंगे कि संदीप से बात हो। संदीप सिंह, सुशांत सिंह राजपूत का वो रहस्यमयी दोस्त जो अब तक चुप है। नहीं, आप बताएंगे क्या? आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। जवाब तो दीजिए। जवाब तो देना पड़ेगा। नेशनल चैनल पर हैं आप, एबीपी न्यूज़ एक नेशनल चैनल पर हैं, आपको बताना पड़ेगा। जवाब तो दीजिए। जवाब दीजिए। एबीपी न्यूज़ के 2 रिपोर्टर संदीप सिंह से 20 मिनट तक पूछते रहे, लेकिन संदीप कुछ नहीं बोले। एक शब्द नहीं कहेंगे। एक बार फिर से आप एक शब्द नहीं कहेंगे। अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। बताइए, आप सुशांत के दोस्त थे? आप सुशांत के दोस्त थे? लेकिन ऐसा नहीं है कि संदीप हमेशा से ऐसे ही खामोश रहते हो। सुशांत की मौत के बाद संदीप सिंह लगातार सुर्खियों में थे, और जब तक उन पर आरोप नहीं लगे थे तब तक वो हर किसी को ज्ञान देते थे, मीडिया को भी। इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप कौन क्यों उठाता है वो हम कोई नहीं जान सकते। वो सिर्फ वो इंसान ही जान सकता है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है। हम, मुझे लगता है मीडिया को थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़ा शांत रहना चाहिए, और थोड़ा अगर वक्त दे दे हम लोग एक दूसरे को और उनकी फैमिली को प्रेयर करने का, उनकी आत्मा की शांति के लिए, तो थोड़ा बेहतर होगा। हम मीडिया वाले ही डिसाइड कर रहे हैं कि वो नेपोटिज्म के वजह से चले गए, वो उनके पास पैसे नहीं थे, उनको पिक्चरें नहीं मिल रही थी, उनका पर्सनल रिलेशनशिप ये प्रॉब्लम था, वो डिप्रेशन में चले गए थे। आज एबीपी न्यूज आपको संदीप सिंह की पूरी कहानी बताएगा। आज हम आपको बताएंगे कि कभी आइसक्रीम बेचने वाला संदीप सिंह फिल्म प्रोड्यूसर कैसे बना। रेडियो स्टेशन पर काम करने वाले ने बड़ी बड़ी फिल्में कैसे बनाई। संदीप की सक्सेस स्टोरी प्रेरणा देने से ज्यादा हैरान करती है, शक पैदा करती है। ये 15 जून की तस्वीरें हैं जब संदीप सिंह सुशांत की बहन मीतू सिंह के साथ मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंचे थे। सुशांत की मौत के बाद उनका शव कूपर अस्पताल ले जाया गया था। यहां संदीप की पूरी बॉडी लैंग्वेज सवालों के घेरे में थी। सुशांत का शव कूपर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखा गया था और यहां से अंतिम संस्कार के लिए जाना था। तभी संदीप सिंह सुशांत की बहन के साथ पहुंचे। अस्पताल की तरफ जाते हुए उन्होंने अपने बाएं हाथ का अंगूठा उठाया और इशारा किया। ऐसे अंगूठा दिखाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सोचिए जब संदीप के सबसे प्रिय दोस्त का शव अस्पताल की मॉर्चरी में पड़ा हो तो वो अंगूठे से ऐसा इशारा क्यों करेंगे। आगे संदीप और सुशांत की बहन दोनों फोन पर किसी से बात करते हैं, तभी अस्पताल की एक महिला कर्मचारी दोनों को अंदर की तरफ जाने का इशारा करती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। उस दिन संदीप ही थे जो मीडिया को भी हर जानकारी दे रहे थे।
सब पूरी परिवार कितने बजे का आदमी? 3:30-4 बजे के बीच में। कूपर अस्पताल के अंदर भी सब कुछ संदीप ही मैनेज कर रहे थे। ये भी 15 जून की तस्वीरें हैं। कूपर अस्पताल में मीडिया कर्मियों की भीड़ थी और पुलिस वालों की भी। यहाँ भी संदीप लगातार पुलिस वालों से बात कर रहे थे। बीच बीच में वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। संदीप ने किसी व्यक्ति को वहां से भेजा और उसे भी अंगूठे से इशारा किया। कूपर अस्पताल में रिया चक्रवर्ती की मदद करने वाले सुरजीत सिंह राठौड़ का दावा है कि संदीप सिंह उस दिन दुबई में किसी से बात कर रहे थे। मैं इधर खड़ा था, संदीप सिंह ऑफिसर से बात कर रहा था, कुछ दुबई का मैटर के लिए बात कर रहा। वो दुबई के बोला, दुबई से रात को फोन आया, ये आया, तो मैं ऐसे खड़ा था तो उसने ऑफिसर को इशारा किया। इशारा करते ऑफिसर तुरंत मुझे बोलता है, आप कौन? मैंने कहा, एक घंटे से आप मेरे यहाँ हो, हम सब हैं, बातचीत कर रहे, आप अभी मुझे पूछा आप कौन? बोला नहीं नहीं आप यहाँ से चले जाइए। मैं क्यों? बोले नहीं नहीं आप यहाँ चले जाइए। इस तरीके से उन्होंने बात की संदीप सिंह के कहने पे। कि मैंने कहा यार मुझे थोड़ा डाउट फील हो रहा है, संदीप सिंह वैसा इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। दूसरी बात, वो रिया उधर अंदर जाके सॉरी बोले, क्या गेम, तो मुझे गलत लग रहा है। अभिषेक तिरुमुखी जी जो डीसीपी बांद्रा के, मैंने उनसे संपर्क किया कि बताया उनको डीसीपी साहब को, तो उन्होंने मुझे कहा आप एक लिखित में दे दीजिए। उस दिन कूपर अस्पताल में सुशांत के शव का इंतजार हो रहा था, यहाँ से सीधे अंतिम संस्कार के लिए जाना था। संदीप के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्होंने अपना सबसे जिगरी यार खोया है। लगातार बारिश हो रही थी। थोड़ी देर बाद सुशांत के शव को लाया गया और इस एम्बुलेंस में रखा गया। इसी एम्बुलेंस की फ्रंट सीट पर संदीप भी बैठे। संदीप भले ही उस दिन परिवार के साथ दिखे हों और लगातार रहे हों, लेकिन रिया चक्रवर्ती का दावा है कि वो जब से सुशांत के साथ रह रही थी तब से संदीप सिंह ना तो घर पर आए और ना ही सुशांत की कभी संदीप से बात हुई। मैं नहीं जानती संदीप सिंह को, और अगर वो सुशांत के दोस्त थे तो फिर वो 1.5 साल तक कहाँ थे? मैंने ना नाम सुना है उनका, ना घर आए, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि सुशांत के कॉल लॉग में भी उनका नाम नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा। संदीप सिंह ने हमारे संवाददाता रवि जैन को सुशांत की मौत के 12 दिनों के बाद 26 जून को एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने साफ साफ दावा किया था कि उनकी और सुशांत की लगातार मैसेज पर बात होती थी। मैसेजेस पे उससे बात होती रहती थी, नॉर्मल खाने पीने की, मिलने की, यही सब बातें होती, लेकिन अभी लॉकडाउन था तो हम नहीं थे, उतना मिलने जुलने का प्लान नहीं हो रहा था, लेकिन हम मैसेजेस पे काफी टच हुए। आखिरी मैसेज कुछ बता सकते हैं क्या बात? थैंक यू, दैट्स पर्सनल। यानी बड़ी चालाकी से संदीप सिंह झूठ बोलता रहा, मीडिया को यह बताता रहा कि वो सुशांत सिंह का सबसे जिगरी दोस्त है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 1 साल से संदीप और सुशांत के बीच में कोई बात नहीं हुई थी। ये खुलासा संदीप सिंह की कॉल डिटेल से हुआ है। बॉलीवुड की ऐसी कोई फिल्मी हस्ती नहीं थी जिसके साथ संदीप सिंह की तस्वीर न हो। संदीप सिंह फिल्म प्रोड्यूसर बन गया था, लेकिन वो कभी आइसक्रीम बेचा करता था। मैं जब 8th में था तो मैं स्कूल से बाहर निकल के स्कूल ड्रेस में ही 8th, 9th और 10th को पढ़ाया करता था दोपहर में, और रात को जाके मरीन लाइंस में आइसक्रीम बेचा करता था। तो दोपहर में तो मुझे संदीप सर बोल देते थे और रात को बोलते थे चले जल्दी वो बना। ये तब की बात है जब वो मुंबई में पढ़ाई करता था। वैसे तो वो मूलतः बिहार का रहने वाला है, लेकिन मुंबई में पला बढ़ा है। करियर के शुरुआती दिनों में उसने कुछ मैगजीन और मीडिया संस्थानों में काम भी किया और फिर एक रेडियो स्टेशन में भी नौकरी की। इसी दौरान संदीप सिंह संजय लीला भंसाली के संपर्क में आया और खबरें तो यहां तक हैं कि भंसाली की कंपनी में सीईओ बन गए। इसी दौरान संदीप सिंह ने बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस भी की, मैरी कॉम, राउडी राठौड़, गब्बर इज बैक, और पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्मों का प्रोड्यूसर भी रहा। डेवलप करते रहे। और सुशांत और संदीप की दोस्ती उनके स्ट्रगल के दिनों से थी, जब सुशांत और अंकिता लोखंडे पवित्र रिश्ता नाम के एक टीवी शो में काम करते थे। दोनों के अलग हो जाने के बाद संदीप अंकिता के साथ नजर आए, लेकिन सुशांत के साथ नहीं दिखे। अंकिता के साथ संदीप की गहरी दोस्ती थी। My biggest support in the industry. And he's my biggest support too. सुशांत की मौत के बाद अंकिता को उनके घर लेकर भी संदीप ही गया था। जब तक सुशांत केस में संदीप पर शक नहीं था, वो लगातार मीडिया से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही शक की सुई संदीप पर घूमी वो अचानक से बीच में गायब हो गया। 25 अगस्त को सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट ने संदीप को सवालों में खड़ा कर दिया। स्वामी ने ट्वीट किया
संदिग्ध संदीप से पूछताछ होनी चाहिए, वो कितनी बार दुबई गया और क्यों। तो सवाल ये है कि क्या सुशांत की मौत में कोई दुबई कनेक्शन भी निकल कर आ रहा है। देखिए, संदीप सिंह के हाव भाव और हरकतों में कुछ झोल तो जरूर है। उन पर लग रहे इन्हीं आरोपों की वजह से हमने कल उन्हें पकड़ा, लेकिन संदीप सिंह कुछ नहीं बोले। हमारे संवाददाता मनोज वर्मा और ज्ञानेंद्र तिवारी संदीप सिंह से करीब 20 मिनट तक सवाल पूछते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली तो नहीं खोली। सवाल यह है कि क्या संदीप सिंह की यह चुप्पी उन्हें परेशानी में नहीं डालेगी, क्योंकि सीबीआई के सामने जुबान खोलनी ही पड़ेगी संदीप को। कहां गए थे आप, दिल्ली में कहां गए थे आप? कहां गए थे आप? संदीप ने पूछताछ की थी आपसे, सीबीआई ने आपको बुलाया। आप कहीं भी भागिए, कितने भी चुप रहिए, लेकिन एबीपी न्यूज सवाल पूछेगा। एबीपी न्यूज के दो संवाददाताओं ज्ञानेंद्र तिवारी और मनोज वर्मा ने संदीप सिंह को मुंबई एयरपोर्ट पर तब पकड़ा जब वो दिल्ली से मुंबई आ रहे थे। फ्लाइट से उतरने के बाद जैसे ही संदीप सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचे, हमारे दोनों संवाददाताओं ने उन्हें पहचान लिया। कहां गए थे आप, दिल्ली में कहां गए थे आप? कहां गए थे आप? कहां गए थे? कहां कहां से आ रहे हैं संदीप? बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आपसे, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आप पे, ड्रग डीलिंग का आरोप लग रहा है। संदीप खोलिए मुंह, खोलिए, कहां से बताइए, बताइए कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं आप? कहां से आ रहे हैं संदीप? आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, जवाब तो दीजिए। जवाब तो देना पड़ेगा, नेशनल चैनल पर है आप, एबीपी न्यूज एक नेशनल चैनल पर है, आपको बताना पड़ेगा। जवाब तो दीजिए, बहुत जवाब दीजिए, बताइए आप लोग। नहीं, नहीं, बताना पड़ेगा ना, आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, पूरा देश देख रहा है। हमारे दोनों संवाददाता सवाल पूछ रहे थे, लेकिन संदीप सिंह खामोश थे। इसी दौरान वो एक लिफ्ट के पास आ गए, हमने उनसे फिर सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन वो फिर खामोश हो गए। आप सुशांत से एक साल से बात नहीं कर रहे थे, आप क्यों बात नहीं कर रहे थे संदीप? आप ये बताइए कि क्या एम्बुलेंस वाले से आपकी बात हो रही थी लगातार? एक बार बात तो कीजिए, सुशांत आपका दोस्त था, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप? इतना बड़ा हादसा हो गया, कुछ नहीं कहेंगे आप संदीप? इतना बड़ा हादसा हो गया, वो आपका दोस्त था, इतना बड़ा हादसा हो गया, आप कुछ नहीं कहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बताइए ना, एक शब्द नहीं बोलेंगे? सीबीआई ने आपको बुलाया है, मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी आपसे, सीबीआई ने आपको बुलाया है? दो मिनट के लिए संदीप बात तो कर लीजिए, एक बार आप नेशनल चैनल पर एक बार बात तो कर लीजिए, कुछ बात तो कह दीजिए संदीप, कुछ संदीप? बताएंगे, कुछ बताएंगे संदीप? कुछ नहीं, क्या सीबीआई के सामने भी ऐसे चुप रहेंगे आप? संदीप, इतना बड़ा सवाल उठ रहा है आपको लेकर, क्या ड्रग्स देने में आप भी हैं? क्या रिया चक्रवर्ती के साथ आप भी शामिल है? क्यों आखिर आप दूर हो गए एक साल से? क्यों मामला सामने आया, ड्रग्स के मामले में आपका नाम आ रहा है? दो मिनट रुके ना संदीप, संदीप संदीप सुनिए, संदीप 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 सुनिए ना संदीप, संदीप 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 संदीप, अरे नेशनल चैनल पर दो अपने दोस्त के बारे में दो शब्द तो बोल दीजिए, आपका दोस्त था सुशांत, उसके बारे में दो शब्द तो बोल दीजिए कैमरे पर। हमने उनसे वो सवाल पूछे जो सुब्रमण्यम स्वामी ने किए हैं, यानी सुशांत केस का ड्रग्स एंगल, लेकिन उस पर भी वो खामोशी रहे। कुछ भी नहीं बोलेंगे आप? गए कहां थे दिल्ली, ये तो बता दीजिए कहां गए थे? इतना हो बड़ा गया, आप हो गया। पूरे समय अंतिम समय में साथ थे, आप अंतिम संस्कार में थे, एम्बुलेंस से लगातार आपकी बात, एम्बुलेंस वाले से आपकी बात हो रही थी, और अब तो ड्रग्स डीलिंग की भी बात आ गई है, अब तो ड्रग्स की भी बात आ गई है कि उसे दवाई के रूप में ड्रग्स दे रही थी, तो क्या कभी आपसे सुशांत ने बताया नहीं कि ड्रग्स ले रहा है वो और दवाई के रूप में उसे दिया जा रहा है? कभी आपको कुछ साझा नहीं किया, आप उसके मित्र हैं संदीप? सुशांत इतना परेशान था, उसके बारे उसने कुछ नहीं बताया आपको, वो क्यों परेशान था, क्या वजह थी, कुछ नहीं बताया उसने, कुछ तो बोलिए अपने दोस्त के बारे में। सीबीआई भी तो बुलाएगी आपसे, बोलना तो पड़ेगा आपको, कुछ तो बोलिए संदीप। पूरा देश आप पर सवाल उठा रहा है, अब
ये अब बात पीछे हो गई कि आप सुशांत के कभी दोस्त थे। उसकी खुदकुशी के बाद संदीप आपसे पूरा देश सवाल पूछ रहा है और सुशांत के वो लाखों फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आप एक साल से संदीप से बात नहीं कर रहे थे, जैसा कि कॉल डिटेल बता रहा है। सुशांत से बात नहीं कर रहे थे। सुशांत आपका दोस्त था संदीप, कहीं ना कहीं वो भी देख रहा है आपको, वो भी देख रहा है आप बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, वो देख रहा है आपको। गलती हो गई, कहां चूक हो गई कि सुशांत को ये कदम उठाना पड़ा? संदीप कहां गलती हो गई, कहां गलती हो गई, बोलेंगे आप, कुछ बताएंगे? एयरपोर्ट पर संदीप के साथ कुछ लोग और भी थे। जब हम सुशांत केस के संदिग्ध संदीप सिंह से सवाल पूछ रहे थे तो ये लोग हमें रोकने लगे, लेकिन संदीप तब भी चुप रहा। आप लोग इनके फ्रेंड हैं? संदीप यहां खड़े हैं, पिछले 20 मिनट से हम इनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या सुशांत की खुदकुशी के बाद आप जो उनके दोस्त हैं, क्या आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? लगातार हम ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन संदीप कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, संदीप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मनोज, आपने भी सवाल किया, क्या लग रहा है ये चुप्पी? संदीप को मेरे हिसाब से बोलना चाहिए। सुशांत सिंह इनका दोस्त था, इनका हमराज था, ये भी उनके हमराज हैं, तो मुझे लगता है कि इनको बोलना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं करना चाहते हैं। और ये चुप्पी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि सवाल हम ही नहीं, पूरा देश भी पूछ रहा है और CBI भी पूछेगी। संदीप एक शब्द नहीं कहेंगे, एक बार फिर से अब एक शब्द नहीं कहेंगे, अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। हमें इस बात पर हैरानी थी कि पहले मीडिया चैनलों में घूम घूम कर इंटरव्यू देने वाले संदीप सिंह का मुंह अब क्यों सिल गया है, वो भी ऐसे मौके पर जब उन पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं, तब तो उन्हें अपनी सफाई देनी ही चाहिए। सुशांत क्या ड्रग्स लेता था? रिया देती थी ड्रग्स उसको? संदीप बहुत कुछ जानते हैं आप, बहुत कुछ जानते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने ये कदम उठाया? संदीप कभी आपसे सुशांत ने बताया नहीं कि अब वो डिप्रेश है, वो फिल्म में काम नहीं करना चाहता है? नीरज ने अपने बयान में कहा है, बहुत सारी परेशानी थी सुशांत को, क्या कभी आपसे वो साझा नहीं किया? आप तो लगातार उसे आप उसके दोस्त रहे हैं संदीप, आप अंतिम समय में पूरे अंतिम संस्कार में आप शामिल रहे हैं संदीप, आप कुछ बोलना नहीं चाहते? आप अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब नहीं देना चाहेंगे? बहुत सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर संदीप, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, आप अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब नहीं देना चाहेंगे? तब तक संदीप सिंह अपनी कार के पास पहुंच गए थे, वो कार में सामान रखने लगे और उसमें बैठ गए। हमने एक बार फिर कोशिश की, फिर हम कोशिश करेंगे इस गाड़ी में, ये देखिए संदीप बैठे हुए, एक बार फिर हम इनसे कोशिश कर रहे हैं कि ये बात करें, लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, और यही बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर संदीप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्या संदीप को बात नहीं करना चाहिए? क्या संदीप को इस तरह से चुप होकर मनोज यहां से चले जाना चाहिए? हमने पीछा किया, हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है और लगातार संदीप पर अगर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं मनोज, तो सवाल पूछना लाजमी है। संदीप सिंह की कार एयरपोर्ट से बाहर जाने लगी, हमारे संवाददाता इस उम्मीद में पीछे दौड़े कि आगे कार रुकेगी तो हम फिर पूछेंगे, लेकिन संदीप सिंह हमारे सवालों का जवाब दिए बिना अपनी कार से भाग गए। कोशिश हमने पूरी की 15 मिनट तक संदीप से, अगर गाड़ी रुकती है तो हम कोशिश करेंगे कि संदीप से बात हो, क्योंकि मनोज पूरा देश जानना चाहता है कि संदीप कहां जा रहे हैं, संदीप क्यों गए थे दिल्ली। ये हम इसलिए पीछा कर रहे हैं क्योंकि संदीप के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, संदीप से जो सवाल पूछ रहा है देश, उस सवालों के जवाब हमें चाहिए। और आप कहीं भी भागिए, कितने भी चुप रहिए, लेकिन ABP News सवाल पूछेगा और संदीप को जवाब देना पड़ेगा।